ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 301 के फाइनल टर्म के सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले एक नेम ऑफ टू डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, नाम देने हैं दो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम के। सो यहाँ पर तीन नाम आपके सामने हैं, तीन नाम आपको बताए जा रहे हैं, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। सो ये तीनों ही एल्गोरिथम फॉल करते हैं डिवाइड एंड अंडर के कैटेगरी के अंडर। और उसके बाद ये कि हाइट ऑफ अ ट्री वो है 5, सो फाइंड करें सम ऑफ हाइट्स। सो एक ट्री की हाइट है 5, तो फाइंड करना है सम ऑफ हाइट। सो हाइट है 5 एंड नॉर्थ जो है वो क्या है 2 एंड द पावर इज एच। सो एच के अंदर हम जब 5 लिखेंगे सो ये 32 आ जाएगा। सो सम ऑफ नॉर्थ जो है वो क्या है, वो है एन माइनस एच प्लस वन। सो एन है 32 और माइनस एच प्लस वन, एच है 5 और 1 ऐड करेंगे सो 32 माइनस 6 होगा, तो इसका आंसर 26 आएगा हमारे पास। उसके बाद ये कि गिव दी ऑपरेशन नेम्स दैट वी कैन परफॉर्म ऑन टेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो नाम देने हैं यहाँ पर ऑपरेशंस के जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं टेबल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे, वो है इंसर्ट, फाइंड एंड रिमूव इसका आंसर। उसके बाद ये कि व्हेन हैश टैग इज नॉट सुइटेबल, कब हैश टैग जो है वो सुइटेबल नहीं है। सो हैश टैग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते अगर जो है बहुत सारी इंसर्शंस हैं और डिलीशंस हैं या फिर टेबल ट्रेवर्सल जो है वो ज़रूरी हैं। सो इस केस के अंदर एवियल ट्रीज जो है वो बेटर हैं इस केस को अगर हम देखें यहाँ पर। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब द कंडीशंस फॉर सेकेंड केस ऑफ डिलीशन इन एवियल ट्री, डिस्क्राइब करें कंडीशन जो है सेकंड केस जो है डिलीशन का एवियल ट्रीज में। सो ये वो केस है जहाँ पर पेरेंट जो है डिलीटेड नॉट का उसका जो है वो बैलेंस था 1 का, और जो है नॉट जो है वो डिलीट हुआ था पेरेंट्स लेफ्ट सब ट्री में। उसके बाद ये कि हाउ मेनी लीफ एंड नन लीफ नॉट्स आर प्रेजेंट इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ इट्स डेप्थ इज 7। सो कितने लीफ और नन लीफ नॉड्स जो है वो प्रेजेंट है कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर उसकी डेप्थ जो है वो है 7। सो लीफ नॉड है 2 एंड द पावर इज डी जो कि है डी जो है वो 7 है। सो ये जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 128 हो जाएगा। और नन लीफ नॉड्स जो बराबर है 2 टू द पावर डी माइनस 1। सो डी की जगह पे 7 जब हम लिखेंगे सो ये हो जाएगा 128 हो जाएगा माइनस 1। सो इसका आंसर आएगा 127। उसके बाद ये कि इफ अ बाइनरी ट्री हैज़ एन इंटरनल नोड्स व्हाट आर द नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स इन इट, अगर एक बाइनरी ट्री के एन इंटरनल नोड्स हैं तो क्या नंबर है एक्सटर्नल नोड्स का उसके अंदर। सो नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड होंगे एन प्लस 1। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।